जी हाँ, चंदा मामा कितने पानी में हैं ये पता चल जाएगा हमें। चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी राजनीतिक खबर की। नक्सलियों और माओवादियों पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई, और ये कार्रवाई कर सकती है भारतीय वायुसेना। जी हां, भारतीय वायुसेना ने सरकार से नक्सलियों और माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मांगी है। खास बात यह कि सरकार भी उनकी इस बात को मानने के मूड में दिखाई दे रही है। हर जुबान पर जिंदाबाद के नारे, हर आंखों में आंसू और हर दिल में माओवादियों के खिलाफ आग। रांची में माओवादियों के हाथों मारे गए पुलिस इंस्पेक्टर के अंतिम संस्कार में शामिल हर शख्स का यही हाल नजर आया। सबके मन में ये सवाल भी था कि जब सुरक्षा बल ही सुरक्षित नहीं तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा। लेकिन अब सरकार माओवादियों से निपटने की कड़ी तैयारी कर रही है। This has been discussed. The IAF will take adequate countermeasures. दरअसल भारतीय वायुसेना ने नक्सलियों और माओवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की इजाजत मांगी है। सरकार इस मामले में गुरुवार को होने वाली बैठक में फैसला लेगी। हालांकि गृह मंत्री ने वायुसेना के हाथ में कमान देने का साफ इशारा किया है, जबकि रक्षा मंत्री का जवाब अभी तक गोलमोल है। आंध्रा गवर्नमेंट दे हैव सक्सीडेड, देयर इज अ विल, दे कैन सक्सीड, बिकॉज़ इट इज प्राइमरली द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू हैंडल इट, बट ऑफ कोर्स वी कांट वॉश आवर हैंड्स। वायुसेना की इस गुहार पर कि नक्सली हमलों के बाद उन्हें भी जवाबी फायरिंग का अधिकार दिया जाए, रक्षा मंत्री एंटोनी ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि नक्सलियों को आगे बढ़कर न मारा जाए, लेकिन फायरिंग के अधिकार को लेकर उनकी चुप्पी साफ कह गई कि अपनी जान की रक्षा के लिए सब कुछ जायज है। सरकार भले ही अभी तक इस मामले में खामोश है, लेकिन तय है कि वायुसेना को अगर कार्रवाई करने का आदेश मिल गया तो नक्सलियों और माओवादियों की खैर नहीं। दिल्ली से शमशेर सिंह के साथ राहुल महाजनी, मुंबई आज तक।